हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डीजे जीक्यू। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी गैप के बाद हम फिर से रिव्यू मोड में आ गए हैं। काफ़ी सारे डेमो वीडियोस मैंने अपलोड किए चैनल पर एंड काफ़ी सारा रिस्पांस भी मिला मुझे। काफ़ी लोगों ने अक्वायर करने की बात की सिस्टम्स के बारे में, सोनी के सिस्टम्स, आइवा के सिस्टम्स रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग कि हम इसे ओन करना चाहते हैं। तो जी हाँ, काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि सिस्टम्स वर्किंग कंडीशन में मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक वर्किंग कंडीशन सिस्टम को लाना और रिव्यू करना, एंड स्पेसिफिकली विथ स्पीकर्स और रिमोट के साथ तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एनी हाउ, आज का ये रिव्यू जो हम करने वाले हैं बहुत ही यूनिक। हर घर का एक छोटा स्टीरियो सेटअप था जो कि बेस और ट्रेबल हाइज यानी म्यूज़िक के लिए, मूवीज़ के लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस सेटअप था जो हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। यह है आइवा NSX-S94। जी हाँ, मेड इन जापान, बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है ये वर्किंग कंडीशन में। काफ़ी सारे इसके सेट्स आए थे जो नॉन वर्किंग कंडीशन में थे, बट सबको स्किप करके फाइनली मैंने हैंड्स ऑन इस सिस्टम पर किया। और भी यूनिक रिव्यूज़ हमें हमारे चैनल पर आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपने बहुत सारे लोगों ने आप सब्सक्राइब किए, क्वेश्चंस पूछे, अपने डाउट्स क्लियर किए। कुछ लोगों के पास रिमोट्स की अनअवेलेबिलिटी थी, मैंने जो भी अवेलेबल स्पेयर रिमोट्स थे उनके थ्रू उनको हेल्प किया, एंड आई एम ग्लैड दैट मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आई एम श्योर ये रिव्यू भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं और सिस्टम्स ले आऊँगा आपके लिए रिव्यू के लिए। और एक जानकारी मैं आपको ये देना चाह रहा था कि एक क्विक रिव्यू बहुत जल्द हम करने वाले हैं, जिसमें हम घर के स्पीकर्स को यानी सबवूफर को स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो हम कार में क्या उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और कैसा उसका साउंड रिव्यू होता है, इसका भी एक बहुत यूनिक रिव्यू बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। क्योंकि बरसात का मौसम है तो उस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती है शूट करने में, बट नंदलेस जैसे ही मुझे मौका मिलेगा बहुत जल्दी इस वीक के अंदर या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में आपको एक वीडियो देखने मिलेगा जहाँ पर मैंने अपनी कार में सबवूफर इंस्टॉल किया है जो नॉर्मली हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे उसके भी साउंड इफेक्ट कैसा होता है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, इस सिस्टम को रिव्यू करते हैं एंड आगे के इसके फीचर्स और बैक पैनल की कनेक्टिविटीज़ एंड प्लस एक क्विक साउंड टेस्ट भी करेंगे इसका, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है रील्स में यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। बट येस, डेफिनेटली एक साउंड टेस्ट भी करेंगे सारे स्पीकर्स लगा के, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है इसका। ठीक है, तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिले, एंड लाइक शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को हमारे सिस्टम्स के बारे में पता चले, रिव्यूज़ मिल पता चले, इनका यूसेज मेंटेनेंस के बारे में जो भी जानकारी हम शेयर करते हैं वो उनको पता चले, तो इन सिस्टम्स को और भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सिस्टम के बैक पैनल की कनेक्टिविटीज़ को देख लेते हैं एंड उसके बाद फ्रंट पैनल के फीचर्स को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने बैक पैनल पे फ्लिप कर लिया है। मैंने इस कॉर्नर को स्पेसिफिकली फोकस इसलिए किया है क्योंकि बैक पैनल पे लेफ्ट साइड में कोई भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस नहीं है, जो भी ऑप्शंस है सिर्फ इसी जगह पर अवेलेबल है, तो हम इजीली उन्हें कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर आउटलेट की, जो एक फिक्स्ड पावर आउटलेट है। अगर थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जूम करूँ तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड पावर आउटलेट है जो रिमूवेबल नहीं है बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ऑप्टिकल कनेक्शन जो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हम बात की करें ऑप्टिकल जो आउटपुट है, बेसिकली अगर आप चेक करें तो ये कहता है CD ऑप्टिकल आउट, यानी कि जो भी CD DVDs आप प्ले करेंगे इसमें आप ऑप्टिकल ऑडियो केबल के थ्रू आप साउंड को अपने टेलीविजन में या किसी और म्यूजिक सिस्टम में सोर्स आउट कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में देखा जाए तो MV लूप, AM/FM के एंटेना प्लगइन्स हैं जो आप जहां पर अपने नॉर्मली एंटेनास कनेक्ट कर सकते हैं AM/FM के लिए। उसके नीचे बात की जाए तो आप बात हम देख रहे हैं रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन के 3 प्लग्स जहां पर आपको RC पिन्स प्लग करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट एंड आउटपुट पिन्स हैं। तो फर्स्ट वाला जो कनेक्शन है ये बेसिकली आपको
वीडियो ऑक्स का इनपुट दे देता है, यानी आपका इनपुट नंबर वन। सेकेंड आपका ऑक्स मोड है, अगेन इनपुट नंबर टू, जहां पर आप दूसरा ऑक्स केबल कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले में आप टेलीविज़न कनेक्ट कर सकते हैं या और भी कोई डिवाइस, डीवीडी, सीडी प्लेयर, कैसेट प्लेयर, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये बेसिकली लाइन आउट है, यानी आपको यहाँ पर लाइन आउट की ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर आप किसी और एम्पलीफायर में, जैसे मैं हर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, एक लाइन आउट होती है जहाँ पर आप एम्पलीफायर्स को लूप करके मल्टीपल स्पीकर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब उसके नीचे की बात की जाए तो आपको फिर से एक रेड एंड वाइट आरसी प्लगइन दिख रहा होगा, बट मुझे ये बताना है आपको कि ये आरसी पिन कोई इनपुट या आउटपुट रिसीवर नहीं है, बट ये आपके सैटेलाइट स्पीकर्स का जो है इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूंगा इसके सैटेलाइट स्पीकर्स कैसे दिखते हैं, ओवल शेप के होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में भी वो बताऊंगा। जहां पर आप लेफ्ट एंड राइट जो इसके सैटेलाइट्स हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं रेड एंड वाइट में अकॉर्डिंगली। उसके ठीक लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो एक एक्टिव सबवूफर का आउटपुट भी दिया हुआ है, जहां पर आप कोई भी एक्टिव सबवूफर कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए फाइनली जो फ्रंट लेफ्ट एंड राइट स्पीकर कनेक्टिविटी है, यहां पर आपको मिल जाती है इन क्लिप्स के थ्रू, जो स्टेबल क्लिप्स हैं, यानी स्प्रिंग वाले नहीं है ये, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये क्लिप्स, तो आप वायर्स को इजीली प्लग इन करके आप इन्हें जगह पे लॉक कर सकते हैं। तो ये हो गई कनेक्टिविटी की बात, आइए इनके फ्रंट पैनल के फीचर्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे दिखता है स्पीकर्स के साथ, सराउंड स्पीकर्स के साथ, एंड एक छोटा सा डेमो भी हम करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने सिस्टम को फिर फ्रंट मोड पे फ्लिप कर लिया है एंड हम बात देख रहे हैं कि ये स्विच ऑन है, बेसिकली पावर बटन दबा के मैंने इसे ऑन कर लिया है। यहाँ पर आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं, एमडी मोड में आ सकते हैं, वीडियो मोड में आ सकते हैं, आप एफएम मोड में आप जा सकते हैं। इसका रिमोट भी अवेलेबल है, जिसका मैं आपको एक बेसिक प्रीव्यू दूंगा जब मैं डेमो वीडियो ऑडियो प्ले करूंगा इस म्यूज़िक सिस्टम पर। तो यहाँ पर बात करते हैं पावर बटन की, ऑन द लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर जहाँ आप देख रहे हैं पावर बटन है इसका, काफ़ी अच्छा सा डिटेल्ड कलरफुल डिस्प्ले है रेड एंड ग्रीन लाइट्स के साथ। ऑन द राइट साइड कराओके की आपको मेन्यू ऑप्शंस या बटन ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पर आप अगर उसके नीचे देखें तो आपको इनपुट्स मिल जाते हैं माइक वन एंड माइक टू के, दो इनपुट्स हैं माइक के यहाँ पर जो आप मैनेज कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉल्यूम होगा इसका आपके मास्टर वॉल्यूम पर माइक का, और कराओके के बटन्स यूज़ करके आप रिवर्ब एको जो फीचर है वो देकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जाए वॉल्यूम नॉब की, इर्द गिर्द जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में, सराउंड जो ऑप्शन है बेसिकली आपको सराउंड फीचर्स जो हैं उसके, वो रॉक, डिस्को, ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जो इक्वलाइजर्स जिसे हम कहते हैं। बीबीई बेसिकली अगर आप लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे देखें तो उसके लिए बीबीई का बटन यहाँ पर है, एंड टी बेस यानी एक एक्स्ट्रा बेस बूस्ट के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, जहाँ से आप बेस बूस्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जी क्यू बेसिकली आपको जी ई क्यू यानी आपके इक्वलाइजेशन में एडवांस ऑप्शंस देता है, जहाँ पर आप फिजिकली हाईज, मिड और बेस को एडिट कर सकते हैं जी क्यू ऑप्शन के थ्रू। उसके लेफ्ट साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें दिख जाता है सिंक, डब एंड रिकॉर्ड का बटन, जहाँ पर आप सी डी टू कैसेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपको ए एम एफ एम के ट्यूनर के लिए जो बटन्स हैं वही सेम बटन्स आपके कैसेट के लिए मिल जाते हैं आपको, यहाँ तक कि आपकी सी डी प्लेयर भी इसी बटन पे चलेगी, जो सारे सिल्वर बटन्स आपके प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, रिवाइंड के आपको दिख रहे हैं। ऊपर बात की जाए, जैसे मैंने आपको स्विच करके बताया था, ये सारे इनके इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर वीडियो ऑक्स एंड एमडी जो मैंने पीछे की तरफ आपको बताया था आपका इनपुट ऑप्शंस हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज ऑक्स। एंड डेमो मोड में बेसिकली जब हम इसे पावर ऑफ करेंगे तो डेमो मोड में अगर आपको क्लॉक चाहिए तो आप क्लॉक रख सकते हैं, या आप इसे कलरफुल मोड के जो स्क्रीन मोड में है उस पर रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ हेडफोन्स के लिए एक थिक पिन आउटपुट दिया हुआ, यानी एक मोटा पिन जो होता है, जो नॉर्मली माइक्रोफोन्स में आता है, वैसा पिन का आउटपुट दिया हुआ है। एंड उसके ठीक बाजू में आपको डॉल्बी डिजिटल के छोटे से बटन दिख रहे होंगे, एंड उसके बाद आपको मिल जाता है सीडी एडिट एंड रिवाइंड मोड। तो ये बेसिकली आपके रिकॉर्डिंग के फीचर्स हैं, डॉल्बी इन मोस्टली इसमें एक्टिव ही रहेगा जब आप प्ले करेंगे इसकी सीडीज एंड डीवीडीज को, एंड रिमोट के थ्रू आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सीडी ट्रे पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ तीन रेड कलर की लाइट्स आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही हैं, वो सीडी स्विचेस करने के लिए ऑप्शन है, एंड प्लस उसके साथ साथ आप इसके डिस्क चेंजर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके
पैनल के बटन्स के थ्रू बेसिकली ऑन द टॉप। तो ये हो गई ओवरऑल फीचर्स की बात। अब हम इसे स्पीकर से कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा साउंड आउटपुट है इस सिस्टम का, एंड मैं आपको रिमोट भी जो है इसका ऑफिशियल वो बता देता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं हमने इसके फ्रंट लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स को कनेक्ट कर लिया है। सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैंने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कनेक्ट कर दिया है, बट नंदलेस स्पीकर्स जो है इनके ओरिजिनल स्पीकर्स हैं जो सिस्टम के थ्रू साथ में आते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें ओवल सैटेलाइट्स है जैसे मैंने आपको बताया था, जिनकी RC पिन्स हैं। तो मैं एक सॉन्ग जो है प्ले कर लेता हूँ, इस पर वॉल्यूम ऑपरेट करके बताता हूँ आपको इस रिमोट के थ्रू, जो इसका ऑफिशियल रिमोट है अवेलेबल, एंड थोड़े इक्वलाइजिंग ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। काफी लाउड हो जाता है, फ्रेंड्स। तो जैसे हमने देखा ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इक्वलाइजेशन, वॉल्यूम कंट्रोल, एंड जी हाँ डेफिनेटली अगर रिमोट होता है तो इट बिकम्स क्वाइट ईजी। 2200 वॉट्स PMPO का ये ओवरऑल पावर आउटपुट है सिस्टम का। तो आई होप ये रिव्यू आपको बहुत फ़ायदेमंद लगा होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने चेक करी। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और भी काफ़ी सारे यूनिक वीडियोज़ आने वाले हैं। मैंने बोज स्पेस के सैटेलाइट्स, यामाहा के AV रिसीवर के साथ टेस्ट किए हैं, तो उसका भी मैं एक क्विक रिव्यू आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ एक ऑडियो आउटपुट के साथ। तो जहाँ पर हमने काफ़ी पहले एक ऑडियो रिव्यू करने की बात की थी और एक डिटेल रिव्यू करने की बात की थी, तो मैंने सोचा कि जैसे ज़्यादातर लोगों ने फुल डिटेल रिव्यू की बात की और कुछ लोगों ने ऑडियो रिव्यू की बात की, तो मैंने सोचा कि दोनों को कंबाइन किया जाए। थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड हो जाता है नो डाउट, बट आपको एक फुल सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJZQ।